राजद के हर पोस्टर का जवाब जनता है। जो आर्थिक अपराध में जिसका नेता ही जेल में बंद हो और वो विकास की बात करे। मेरा सहयोग कार्यक्रम पार्टी का जो चलते रहता है और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका आया था मामला, हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात किया है और थाना प्रभारी ने शुरू किया है कि उसको हम आज ही निपटाते हैं। निश्चित तौर पर ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जंगल राज हटाने का संकल्प लेकर काम कर रहा है और दूसरा विचारधारा जंगल राज स्थापित करने का संकल्प लिया है। अधिकतर घटना आप देखें कि किस तरह के लोग अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। राजद के दो कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में पहले से भी इनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है और ये लोग इस तरह के वर्चस्व की और रंगदारी की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सरकार आज थाना प्रभारी और सीओ को सभी प्रखंड में बैठ के जमीनी मामला या इस तरह की जो भी हमारा प्रगति है उसके कार्य में बाधक बनता है, विकास के काम में बाधक बनता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सरकार निश्चित तौर पर ऐसे पदाधिकारियों को जो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे उनको संज्ञान में लेगा, क्योंकि इन लोगों को बैठ के इनके छत्रछाया में भ्रष्टाचार और अपराध को कतई बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जंगल राज हटाने का संकल्प लेकर काम कर रहा है और दूसरा विचारधारा जंगल राज स्थापित करने का संकल्प लिया है। अधिकतर घटना आप देखें कि किस तरह के लोग अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है और ये जो जंगल राज को स्थापित करने वाले राजद कांग्रेस के लोग रहे हैं, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए फिर से लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन NDA गठबंधन जंगल राज को मिटाया है और अराजकता को समाप्त कर करके सुशासन और कानून का राज स्थापित करेगा। इनके मनोबल को कतई बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज श्रम संसाधन विभाग के अंदर हमारी बहुत सारी जो योजनाएं चल रही थी उस योजना में अभी हमने वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि के माध्यम से लगभग 7.5 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा है और जितने रजिस्टर्ड हैं सभी को हम उसका लाभ देंगे। 50 रुपया का वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 3000 रुपया का हम लोग उसके अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। जितने रजिस्टर्ड हैं सभी को देंगे, पैसे की कमी नहीं। और एक नई योजना फिर हम लोग विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द ही हम अपने माननीय मुख्यमंत्री मुखर्जी से बात कर करके उसको लॉन्च करेंगे। और नियोजन के संदर्भ में भी बच्चों को हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए भी नए ट्रेड में प्रशिक्षण की ITI के अंदर हम लोग व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षण मिले और बच्चे हमारे कौशल हुनरमंद होकर के अपना रोजगार या स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा सके। एक नए साल में नए ढंग से इसको हम लोग उस तरह का पोर्टल तैयार कर करके उसका उस तरह का मैकेनिज्म तैयार करके बाहर के लोगों को प्रशिक्षित नौजवान देंगे। देखिए राजद के हर पोस्टर का जवाब जनता है, उनके हर आज वो पार्टी जो आर्थिक अपराध में जिसका नेता ही जेल में बंद हो और वो विकास की बात करे, लोगों के हित की बात करे, ये कहीं से लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं उतर रहा है। जो खुद अपराध, भ्रष्टाचार, नरसंहार, आतंकवाद का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करता है, जो अराजकता का पोषक है, अराजकता का वातावरण बनाता है, वो विकास की बात कैसे करेंगे? आज माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी अगर जो बिहार में सुशासन लाए हैं तो ये लोग लाए हैं। जनता की उम्मीद इन्हीं से है और बिहार के अंदर विकास की गति इन्हीं से हुआ है। आप हर क्षेत्र में देखें, बिहार पहली बार अपने जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर पॉलिटेक्निक, जनरल ITI, महिला ITI, ANM, GNM, आज हर जिला में बच्चों के लिए व्यवस्था बनी है। गरीब मजदूर, लघु सीमांत किसानों के लोगों को आज उनके बच्चे दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, लेकिन उस जंगल राज लाने वाले लोग के पीरियड में सारा बिहार से बाहर बच्चा जाता था पढ़ने के लिए।
इसलिए सुशासन और एक नया विकास की गति बढ़ी है, इसलिए उनको विकास पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है।